बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस रमज़ान में हमें सारे रोज़ रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक दें। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रमज़ानमबारक के लिए किचन के लिए थोड़ी शॉपिंग की थी, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये मैंने नाइफ़ ली है, 250 की है, तो बहुत ही शार्प नाइफ़ है। यहाँ मैंने पीलर लिया है, ये ओपनर भी है और पीलर भी है, इसकी प्राइस है 200। मेरा ना प्लास्टिक वाला लाइटर टूट गया था, तो ये मैंने स्टील में लिया है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और रमज़ानमबारक में पकौड़े तो हर घर में बनते हैं, तो पकौड़े के लिए फिर ये वाला जो स्ट्रेनर होता है ऑयल रिमूव, ये हर घर की अशद ज़रूरत है। ये वाला जो इसकी प्राइस 200 है, और जो इससे स्मॉल है ज़रा प्लेन में है, ये बारीक पकौड़े निकालने के लिए है, ये 100 में है, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत फ़ाइन है। दरमियानी साइज़ वाला जो स्टेनर था वो है नहीं था उनके पास, तो फिर मैंने ये बड़े वाला ही ले लिया, तो इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इस स्टेनर के जिना स्टैंड भी बना है और इसकी जो प्राइस है वो 500 है। और मुझे कुकिंग वीडियोस के लिए ना ऐसा प्लांट चाहिए था जो मैं कुकिंग बनाते पास रख सकूँ, तो मुझे ये बड़ा कलरफुल सा प्लांट पसंद आया था, तो ये जस्ट 100 रुपीज़ में था, तो फिर मैंने ये भी परचेज़ कर लिया। और नमकदानी का ये सेट जो है ना, मैंने जोड़ी 100 रुपीज़ में ली, तो जैसे मैंने वो परचेज़ कर ली ना, तो साथ ही मुझे नेक्स्ट शॉप पे मुझे ये वाली पसंद आ गई, तो ये वाली जो नमकदानी थी ना बड़ा ही प्यारा इनका डिज़ाइन लगा मुझे। ये ना चिल्लीज़ बनी थी, रेड एंड ग्रीन चिल्लीज़, और साथ में ना इनके जो है ना नीचे रखने के लिए बड़ी प्यारी एक ना लीव टाइप प्लेट बनी थी। ये मैं दिखाती हूँ आपको, हाँ जी ये वाली, तो ये क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा है, और ना एज अ लुक वाइज भी ये दस्तरखान पे पड़ी हुई बहुत अच्छी लगेंगी, तो इसलिए फिर मैंने ये भी ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ना मस्जिद में इफ्तारी का जो सामान भिजवाना होता है इमाम साहब वगैरह को, तो उसके लिए ये न्यू ट्रे परचेज़ किया है, इसकी प्राइस 230 है। और ये प्लेट्स खजूर वगैरह रख के भिजवाने के लिए, और जो जामे शरी वगैरह जाता है मस्जिद में उस पर देने के लिए मैंने लिए हैं, ये 215 की प्राइस है, और क्वालिटी वाइज जो है ना ये भी बहुत ही फाइन क्वालिटी है इनकी भी। और ये बोन चाइना क्वालिटी के मग थे, तो इनकी क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे। डिज़ाइन वाइज आप माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा इनका डिज़ाइन है, और एज अ क्वालिटी भी ये बहुत ही लाइट वेटेड हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने देखते ही फ़ौरन से परचेज़ कर लिए। हाँ, हमारे ना चीनी और जो नमक वाले कंटेनर थे ना वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो ये मैंने 3 कंटेनर लिए हैं, 200 का ईच कंटेनर आया है। एक मैंने ब्लू कलर में लिया है और एक मैंने रेड कलर में लिया है। और ये जी मुझे बॉल का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये मैंने ना बेसन वगैरह मिक्स करने के लिए लिया है, तो कलर भी मुझे इसका बहुत प्यारा लगा था, तो फिर ये भी मैंने ले लिया। और ये मैंने एक ना ये टाइट बॉल लिया था, ये भी 250 में मिला है मुझे, बड़े रिजनेबल प्राइस में जो है ना इनकी शॉप पर बॉल लगी है, तो इसलिए फिर मैंने परचेज़ कर लिए, और ये भी क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। यहाँ ना मैंने दही भल्ले और फ्रूट चाट और जो सही टाइम दही आता है उसके लिए ना कुछ बॉल वगैरह ख़रीदे थे, तो ये मुझे ना इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी थी, और वैसे भी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, कोई 250 में है, एक 300 में है, ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। ये दोनों जो ना ये वाला और नीचे वाला, ये दोनों 300 में मिले हैं मुझे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। हमारे ना रमज़ान में दही भले जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसके लिए ना थोड़े से ज़रा ये बड़े वाले बॉल जो है ना ये परचेज़ किए हैं, और इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला भी परचेज़ कर लिया, इसकी काफ़ी ज़रूरत थी इसलिए। और ये स्पून वाला जो स्टैंड है मुझे 200 में मिल रहा था, तो इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए फिर मैंने ये भी ले लिया। और ये जो पिंक वाला मैंने लिया है ना, ये मैंने दस्तरखान पर रखने के लिए लिया है, इफ्तारी के टाइम जो चम्मच वगैरह रखने होते हैं ना उसके लिए। और ये फ्रूट बास्केट भी मैंने इफ्तारी के टाइम दस्तरखान पर रखने के लिए ली है, ये भी 250 में आई है। और ये मैंने चॉपर लिया है, जो मेरा पहले वाला चॉपर था ना उसके जो ब्लेड्स थे वो काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, तो इसलिए वो इतने शार्प नहीं रहे थे, उनकी शार्पनेस थोड़ी कम हो चुकी थी, तो मुझे वेजिटेबल कटिंग के लिए ना ये
पुश वाला जो है ना, ये पम्प पुश के साथ ये ना चॉप करेगा वेजिटेबल्स। तो इसमें एक ये इस तरह से लस्सी बनाने वाला है और एक जो है सब्जियां चॉप करने वाला है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये मुझे 1000 में मिला है। और ये एयर टाइट कंटेनर जार का सेट है, ठीक है, ये 7 पीसेस का सेट है, ये मुझे ना 600 रुपीज़ में मिला है। तो एज अ क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें बहुत छोटे छोटे क्यूट 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 से बॉक्सेस हैं, जिनकी के हर घर में अच्छे जरूरत रहती है, चटनी वगैरह डालनी हो या थोड़ी सी कोई भी चीज़ वगैरह जो बचे वो फ्रिज में रखनी होगा, तो उनके लिए ये ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेविंग भी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर भी और एज ए क्वालिटी भी ये बहुत अच्छे थे, तो इसलिए फिर मैंने ये ना परचेज़ कर लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस रमज़ान मुबारक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक दें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करने की और ऐसे अमल की तौफीक दें कि जिनसे हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।